हेलो एवरीवन, अगर आप हाई स्कूल इंटर की यूपी बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से या फिर कंप्यूटर से कैसे हाई स्कूल इंटर की यूपी बोर्ड की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल मार्कशीट डाउनलोड करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल ऐसा एक नया यूनिक आसान तरीका बताऊंगा जहां से आप बहुत ही आसानी से अपनी यूपी बोर्ड की 10th या 12th क्लास की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और आपका ही यही एक लाइक करना ही आपका हमारे लिए एक सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th या 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे डिजी लॉकर। तो जब आप डिजी लॉकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर डिजी लॉकर का आइकन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन मिलेगा, तो आपको सिंपली इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों कुछ ही देर में आपका डिजी लॉकर आपके मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब आपका डिजी लॉकर एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो आपको सिंपली यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन और क्रिएट अकाउंट। अगर आपने पहले से डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बना रखा है तो आपको सिंपली यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर अकाउंट नहीं बना रखा तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले अपना अकाउंट बनाते हैं एंड देन हम यहाँ पर साइन इन करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, जो भी आपके आधार कार्ड पर नाम की स्पेलिंग है वो सेम आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर आपको मेल है या फिर फीमेल है सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो भी आपका सही और जो हाल फिलहाल में यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना 6 अंक का एक कोई सा भी एक पिन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल देंगे, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक आधार कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर टाइप करेंगे और सिंपली यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन के अंदर इस तरह से लॉग इन हो जाएंगे। आपको कुछ डिजी लॉकर का इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ब्राउज का, तो आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यूपी और स्टेट करके आप यहाँ पर यूपी स्टेट लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएंगे, जैसे कि यूपी स्टेट ऑफ हाई स्कूल एंड यूपी स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल। तो आपको सिंपली इनमें से किस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप पहले वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा आप 10th क्लास की मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर 12th क्लास की मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर पहले 10th की डाउनलोड करेंगे एंड देन हम 12th क्लास की डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो आप सिंपली आपको 10th क्लास वाली मार्कशीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है। डालने के बाद में नीचे आपको सेलेक्ट ईयर पूछा जाएगा, किस ईयर में आपने अपना हाई स्कूल किया था। तो चलिए हमने यहाँ पर 2013 में हाई स्कूल किया था। उसके बाद हम यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हम गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी। दोस्तों इस लिस्ट में हमें अपनी हाई स्कूल के मार्कशीट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि हम यहाँ पर हाई स्कूल के मार्कशीट का जो कॉलम है वो हमें मिल चुका है, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर हमारी मार्कशीट ओपन होकर के आ जाएगी। दोस्तों ये मार्कशीट हमारी डिजी लॉकर के द्वारा वेरीफाई हुई हुई मार्कशीट है, ये हर जगह पर काम करेगी, क्योंकि डिजी लॉकर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है जहां से हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर डाउनलोड करते हैं तो वो हर विभाग को हर कहीं से, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट, वहां पर ये मार्कशीट माननी होगी, क्योंकि डिजी लॉकर के द्वारा वेरीफाइड मार्कशीट है। तो इसको हम पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नीचे एक पीडीएफ का डाउनलोड का बटन मिलेगा, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी मार्कशीट जो है वो सेव हो चुकी है पीडीएफ के रूप में। अब हम इसको कहीं पर भी प्रिंट करके इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इंटर की मार्कशीट भी इसी तरह से डाउनलोड होगी, जैसे हमने हाई स्कूल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था, तो आपको सिंपल इंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। तो आपको इसे इंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटर की मार्कशीट ओपन होकर के आ जाएगी। तो दोस्तों ये था बिल्कुल आसान तरीका जिसकी मदद से आप अपने हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मार्कशीट आपकी हर जगह एलिजिबल होगी, हर जगह काम करेगी, और जो भी आप दिखाते हैं उसको माननी पड़ेगी, क्योंकि डिजी लॉकर के द्वारा वेरीफाइड मार्कशीट होगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।